नमस्कार बच्चों। नमस्कार फूलकुमारी दीदी। कैसे हैं आप सब? मैं तो आज एकदम खुश हूँ दीदी। मुझे आज नया बस्ता यानी स्कूल बैग जो मिला है, पापा के साथ जाकर कल ही बाजार से लेकर आया हूँ। अरे वाह, पर तुमने तो पिछले साल भी नया बस्ता खरीदा था ना, वो खराब हो गया क्या? नहीं दीदी, वो भी एकदम बढ़िया ही है। मैं अपनी चीजें संभाल कर इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए जल्द खराब नहीं होती। पर ये नया बस्ता है, नए की तो बात ही कुछ और है। अच्छा, मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहती हूँ, पर ऐसे नहीं, एक कहानी सुनाकर समझाती हूँ, सुनोगे? कहानी? हाँ कहानी, जिसका शीर्षक है राजा और कवि। सुनो, बहुत पुरानी बात है, एक राज्य में एक महाकवि रहता था। उसकी कविताएं अत्यंत सुंदर होती। धीरे धीरे उसकी रचनाओं की ख्याति राजा तक भी पहुंची। राजा को भी कवि की कविताएं सुनने का बड़ा मन हुआ, परंतु वह कवि कहीं आता जाता न था। बस अपनी कविताओं में भगवान के भजन करता और कविताएं सुन के जो भी थोड़ा बहुत गांव वाले दे जाते उसी में गुजर बसर करता। राजा प्रतिभावान व्यक्तियों का बहुत सम्मान करता था, इसलिए वह स्वयं चलकर एक दिन कवि की कुटिया पर पहुंच गया। कवि ने राजा का स्वागत किया, उन्हें आसन दिया और भगवान की स्तुति में अनेक कविताएं पढ़कर सुनाई। कविताएं पढ़ कवि ने भगवान की पूजा का तिलक लगाया। कवि इतना गरीब था कि घर में मुंह देखने का आईना तक न था। वह एक टूटे मटके में पानी भरकर उसी में अपनी परछाई देखकर तिलक लगा रहा था। राजा कवि के भजनों और कविताओं से इतना प्रसन्न हुए कि उन्होंने सोचा कि इसे कुछ उपहार देना चाहिए। राजा ने अपने सैनिकों को भेज कवि के लिए एक स्वर्ण जड़ित दर्पण मंगाया और कवि को भेंट देते हुए बोले, हे कविराज, आप अत्यंत प्रतिभाशाली हैं, परंतु इतनी निर्धनता में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कृपया मेरी ओर से यह छोटी सी भेंट स्वीकार करें। इसके अतिरिक्त आपको जो भी कोई वस्तु की आवश्यकता हो मांग सकते हैं। बताइए आपको क्या चाहिए? वाह, सोने का दर्पण! राजा तो कवि को माला माल कर देंगे। दीदी, फिर कवि ने राजा से और क्या क्या मांगा? हाँ, राजा ने भी यही सोचा था कि इतने प्रतिभाशाली कवि को इतनी निर्धनता से नहीं रहना चाहिए और राजा उसके घर को सुख सुविधा के साधनों से परिपूर्ण कर देना चाहते थे। पर जानते हैं कवि ने राजा से क्या कहा? कवि बोले, महाराज, आपकी दी सप्रेम भेंट तो मैं अस्वीकार नहीं कर सकता, परंतु मैं आपसे बस एक चीज मांगूंगा। राजा उत्साहित हो कवि के अगले शब्दों की प्रतीक्षा करने लगे। इसे अनादर न समझें, पर मेरी विनती है कि कृपया आप यहाँ दोबारा न आएं। राजा ने आश्चर्य से पूछा, परंतु क्यों? कवि ने जवाब दिया, अगर आप बार बार आएंगे तो मेरा घर व्यर्थ चीजों से भर जाएगा। मेरे पास मेरी आवश्यकता के अनुसार सारी चीजें हैं। मैं अपने घर को बिना काम की चीजों से भरना नहीं चाहता। यह सुन राजा कवि के सम्मुख नतमस्तक हो गए। गांव वाले जो राजा को देखने कुटिया के बाहर भीड़ लगाए खड़े हुए थे, वे भी कवि का उत्तर सुन बहुत प्रभावित हुए। बस इतनी ही थी आज की कहानी, कुछ समझ में आया? दीदी, पर कवि को सुख सुविधा के साधनों से क्या आपत्ति थी? और आप हमें इस कहानी से क्या सिखाना चाह रही हैं? कुछ समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, मैं समझाती हूँ। कवि एक योगी के समान जीवन व्यतीत करता था। उसकी जीवन शैली में उसे जिस भी चीज की जरूरत थी उसने उसका इंतजाम कर रखा था। तिलक लगाने के लिए वह पानी में प्रतिबिंब देख लेता, तो उसके लिए तो दर्पण एक अतिरिक्त वस्तु ही हुई ना। इसका ये मतलब नहीं कि हमें भी कवि की तरह रहना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपको भी उतने ही सामान और साधनों का प्रयोग करना चाहिए जितने की आपको जरूरत हो।
जैसे कि मेरे पास एक बस्ता होते हुए भी मैंने दूसरा ले लिया। पापा ने भी यही कहा था कि जब बस्ता खराब हो जाएगा तो नया दिला देंगे, पर मैंने ही जिद की थी। जानते हो, एक नया बस्ता या नया कपड़ा या नया जूता या कोई भी नई चीज बनने में धरती से आप कितना कुछ ले रहे हैं? वो कैसे दीदी? बस्ता कपड़े सब तो बाजार से लाते हैं ना? उदाहरण के तौर पर, किसी भी कपड़े को बनाने में पहले कपास की खेती हुई होगी, उसमें किसी किसान की मेहनत और नदी का पानी इस्तेमाल हुआ होगा। फिर कपास किसी फैक्ट्री में जाकर कपड़ा बना होगा, उस फैक्ट्री ने भी कितना ही पानी और बिजली खर्च किया होगा। फिर उस कपड़े से आपकी कमीज या बस्ता बना होगा, वहाँ भी किसी की मेहनत और मशीनों द्वारा बिजली पानी ईंधन खर्च हुआ होगा। फिर जब सामान बन गया तब दुकान तक पहुँचाने के लिए व्यापारी ने किसी ट्रक या टेम्पो का प्रयोग किया होगा, जिसने फिर धरती से कुछ पेट्रोल या डीजल लिया होगा। अब सोचो, अगर हम सब लोग इसी तरह बिना मतलब यूं ही पुरानी चीजें फेंक कर नई चीजें खरीदते रहेंगे, तो एक ओर तो हम पुरानी चीजों से बने कचरे के बड़े बड़े पहाड़ खड़े कर रहे होंगे और दूसरी ओर तेजी से धरती से पेट्रोल डीजल बिजली पानी की खपत कर रहे होंगे, तो कुछ सालों में क्या होगा? ऐसे तो कुछ सालों में बिजली पानी पेट्रोल डीजल यहाँ तक कि स्वच्छ हवा की भी किल्लत हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जंगल कटकर खेत बनेंगे और फैक्ट्रियों के लिए भी जमीन खाली की जाएगी। और जितनी फैक्ट्री होंगी, जितने टेम्पो ट्रक चलेंगे, उतना ही प्रदूषण भी होगा और ये सब बिजली पानी ईंधन की खपत के ऊपर होगा। अब समझा, इसीलिए हर साल बिजली पानी ईंधन का दाम बढ़ रहा है और साथ प्रदूषण भी बढ़ रहा है। बिल्कुल, और इन सब के लिए हम सरकार को दोषी ठहराकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, पर असल दोषी कौन है? असल दोषी तो हम सब सामूहिक रूप से हैं दीदी, जो बेकार में बिना जरूरत की चीजों से अपने घर को भरने में अपनी शान समझते हैं। मैं समझ गया दीदी। क्या समझे? उतना ही लो जितने का उपयोग हो। अरे वाह, आप भी कवि बन गए? हाँ, और अब मैं ये बस्ता अगले साल ही काम में लूंगा। जब तक मेरी चीजें उपयोग योग्य हैं, मैं नए सामान नहीं खरीदूंगा, क्योंकि बात सिर्फ पैसे खर्च होने की नहीं है। पैसे हमारे हैं, परंतु धरती से मिलने वाले संसाधन तो हम सबके हैं। उन्हें इस तरह अंधाधुंध खर्चेंगे तो कल हम ही अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए तरसते होंगे। बिल्कुल ठीक। अब यह कहानी आप अपने माता पिता और दोस्तों को भी सुनाना और उन्हें भी इसी तरह प्रेरित करना। बिल्कुल करूंगा दीदी। शाबाश, आज के लिए बस इतना ही। जय माँ भारती। जय माँ भारती।